अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स अराउंड द ग्लोब। और ये वीडियो स्पेसिफिकली अपने चैनल से रेलेवेंट, क्योंकि मेरा चैनल अनफॉर्चुनेटली अनलाइकली कोई 2-2.5 माह पहले आउट ऑफ नो वेयर आई थिंक डिमोनेटाइज हुआ, और आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि इसके पीछे क्या रीज़न है। या चैनल को यूजली 3 स्ट्राइक्स मिलती हैं अगर आप कोई कॉन्टेंट गलत डाल रहे हो या कॉन्टेंट यूट्यूब की पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहा हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। तो आई स्पेंड दिस 2.5 मंथ्स विथ लाइक अ लॉट ऑफ पेशेंस, और आई नो कि मेरी 4 ईयर्स की मेहनत थी, तो मुझे पता था कि ये कुछ होगा नहीं, और अगर मैं यूट्यूब की प्रोसेस को फॉलो करता रहा तो इट मोनेटाइज दोबारा हो जाएगा। एंड दिस सेम थिंग हैपेंड, और लकीली एंड थैंक गॉड मेरी मोनेटाइजेशन आज वापस आ गई, और आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम यूट्यूब। आप थंबनेल से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो इंसिडेंट क्या हुआ, बेसिकली जब वर्ल्ड कप करीब था, और वर्ल्ड कप के दिनों में आपको वैसे ही पता है कि वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वॉट इट हैपेंड एक्चुअली बेसिकली कि मैंने एक थंबनेल गूगल से डाउनलोड किया। माइट बी वो IPL से रेलिवेंट था या इंडिया का कोई मैच था, आई स्टिल रिमेंबर, कोई इंडिया की कोई कंट्रोवर्सी का उसमें कोई चक्कर था, जिसमें मुझे इंडियन प्रीमियर लीग की ऑफिशियल वेबसाइट से, और मुझे बंदे का सही नाम याद नहीं, दैट वाज एन इंडियन हिंदू नेम, जिन्होंने लिखा कि आपके चैनल पे स्ट्राइक आई है, आप जो कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा है। हालांकि दैट वाज सिंपली थंबनेल, उसकी वीडियो जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कॉन्टेंट मेरा सारा अपना था, मैं खुद बोल रहा था, लेकिन जो उसका थंबनेल था उस पर कहीं इंडियन के चैनल का एक लोगो सा आ रहा था, साथ लिखा रहा था लाइव, नीचे 2 जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनका स्कोर आ रहा था। तो दैट आई थिंक यूट्यूब ने भी परसीव किया, उस बंदे ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि यूजली जो स्ट्राइक्स होती हैं वो 3 होती हैं, वार्निंग्स होती हैं, उसके बाद आपके चैनल को डिमोनेटाइज किया जाता है। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंगली, ये वर्ल्ड कप भी सर पे था, बट आई डेंट लॉस द होप और कैप्ट होप, और मुझे पता था कि इट वाज अ एफर्ट ऑफ अगेन 4 ईयर्स, तो ये ज़ाया नहीं जाएगी। मैंने बड़ी ईमेल्स की IPL वाले को भी, लाइक बंदे को मैंने इन टच किया टू मेक श्योर कि मेरी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, बट थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान वाला कंसर्न भी इसमें था, दे डिडंट अलाउ मी। तो मुझे 90 डेज का टाइम मिला रहा, वैसे टाइम होता है 30 डेज का अगर आपने रीअप्लाई करना हो, लेकिन क्योंकि वो स्ट्राइक आ चुकी थी, और जब तक आपके चैनल से स्ट्राइक हटती नहीं है, जो कि 3 महीने का टाइम पीरियड देते हैं, तो वो 23 अगस्त मेरा दिन मिला कि 23 अगस्त को आप रीअप्लाई कर सकते हैं, और 30 डेज का फर्दर टाइम होता है कि आपकी एक्सेप्ट हो एप्लीकेशन के नहीं है, लेकिन विद इन लाइक 24 आवर्स या ऐसे भी पहले पहले मेरी एप्लीकेशन दोबारा एक्सेप्ट हो गई है। आई एम ग्लैड टू दैट, इवन दो आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, हैविंग सम बैड थ्रॉट एंड फीवर, बट लकीली माई एप्लीकेशन गॉट सक्सेसफुली। तो यही रीज़न थी आपके साथ शेयर करने की। तो थंबनेल जब भी आप किसी का डाउनलोड करें, कोशिश करें कस्टमाइज कर लें, और उस पर किसी चैनल का मोनोग्राम लोगो ना आ रहा हो तो बेहतर है। दैट वॉज अ लर्निंग फ्रॉम मी, मैंने भी इस चीज़ से सीखा कि किस तरह ये बेहतर हो सकता है, और उसके बाद से क्योंकि अब मेरा दोबारा रेवेन्यू जनरेट हो गया, आई वॉज क्लोज टू माई अर्निंग एज वेल, दैट वॉज पेमेंट मेरी निकलने वाली थी जब ये चीज़ हुई। तो खैर 2-2.5 माह को इतना ज़्यादा अर्सा नहीं होता, मैंने थोड़ा सब्र से काम लिया और लकीली आई गॉट इट अगेन। तो आप लोग भी स्पेशली जो इंडियन के लोग हैं इस चीज़ से थोड़ा बचें। एक और भी मुझे एक ईमेल आई कि द कॉन्टेंट विच आई एम पोस्टिंग बेसिकली इज़ हिज चैनल बेसिकली देन इंडियन वन। तो ये चीज़ें चलती हैं, अगर आपने डबल सिक्योरिटी लगाई हुई है, इस तरह की चीज़ें की हुई हैं, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। तो ये छोटा सा न्यूज़ आपके साथ शेयर करने आया था कि आई एम ग्लैड कि मेरा चैनल जो 2-2.5 माह पहले रुक गया था, मैंने इसे कितना से शेयर नहीं किया किसी से, लेकिन इट वेंट बैक अगेन और अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया है। तो आपके साथ वीडियो इंशाल्लाह फ्रिक्वेंट होंगी अब, क्योंकि अर्निंग अगेन स्टार्ट हुई भी है, और जो कि 4 साल आया वॉज द वन जिसने आई थिंक 8 महीने में अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया था वे बैक इन 2021। सो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, और मैं अपनी वीडियोस भी पुट करता रहूँगा, रेगुलर शॉर्ट्स हों, लाइव हों या वीडियोज़ हों। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।